पूरी गुफा है अंदर, डरावनी गुफा है जी, अंदर डरावनी है पूरी खंडर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मौसम बहुत अच्छा है तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूम के आया जाए। तो अभी नफीस और मैं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम पहले बचपन में मतलब रहा करते थे, रेंट पे रहते थे। तो अभी आपको चल के वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे कैसा है। वहाँ पर देखने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो आज मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम लोग आईटी में आ चुके हैं और बाइक खड़ी कर दी है। हेलो कर दे भाई। हेलो भाई, बाइक खड़ी कर दी है और जा रहे हैं। तो हमने बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, ये वाली। तो हम आ चुके हैं श्री अरविंदो आश्रम की तरफ। काफ़ी टाइम बिताया हमने यहाँ पर अपना, बहुत अच्छा लगता था। कैसा लगता था भाई? बहुत अच्छा लगता था। इस आश्रम में काफ़ी लोग अच्छे लोग रहते थे यहाँ पर। हमारी दीदी बहुत अच्छी थी। तो ये है आश्रम की दीवार, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, आगे चलकर और भी चीज़ें दिखाएंगे। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर अभी आउटसाइडर को अलाउ नहीं है कोविड की वजह से। तो हम गेट पे आ चुके, ये है आश्रम का गेट, ठीक है। कौन था? गाइस, तो ये ना हमारा स्कूल था, मातृकरणा विद्यालय। अभी बंद हो गया, काफ़ी टाइम से बंद हो गया। तो पहले हम लोग इसी में पढ़ा करते थे सभी लोग, ठीक है। ये 8 नंबर गेट। हाँ, ये 8 नंबर गेट है। पहले हम लोग यहीं से अंदर जाया करते थे। ये बैठे हैं गार्ड भैया अंदर, और इसी गेट से हम लोग अंदर जाते थे पहले। बाद में लाएंगे, अभी आउटसाइडर को अलाउ नहीं। तो अभी हम बेगमपुर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया अभी रास्ते में कि मतलब जो भी हमारे हाथ में कैमरा देख रहा है ना, ये सेटअप बट मतलब बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं लोग, जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। कैसा लग रहा है राहुल तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद आए हम लोग इधर घूमने के लिए। देखा, ये बाइक वाला जा रहा है, जैसे देख रहा है जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो, लोगों का तो काम है, जब भी कोई अलग हटके कुछ भी काम करता है ना तो लोग ऐसे ही देखते हैं। बट हमें क्या करना, हमें अपना काम करना और निकल जाना है। और हाँ, अभी हम एक जगह और आ गए हैं। बचपन में हम लोग यहाँ पर क्रिसमस पे अक्सर आया करते थे, सेंटा क्लॉज वगैरह। यहाँ ये चर्च है, मतलब कालरा निवास। मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ रहती थी, घमंडी है बहुत वो। ऐसी बात है, है ना भैया? बढ़िया हो, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। तो ये है कालरा निवास, ठीक है। क्या है, पूरा खंडर हो चुका है अभी तो। पहले यहाँ पर हम लोग खेलते थे, यहाँ दिख रही है। पहले खेलते थे हम लोग यहाँ पर, अभी पूरा वीरान हो चुका है। देखो कितना अच्छा, किसने बनाया था इतनी ऊंचाई पर अपना किला। तू भी बनवाएगा ऐसा शानदार अपनी महबूबा के लिए बनवाएगा? Oh my God! Wow! क्यों, ऐसे ही बनवा सकते हैं? महबूबा के चक्कर में मत पड़ भाई, इतना पढ़ के तो बर्बाद हो चुके। हाँ, तो ये है एक किला, अब ये टूट चुका है, ठीक है। ये बार बार मेरा माइक का ही आ जा रहा है, एक मिनट। ऊंचाई है यार, बहुत बड़ा यार, अच्छा भी लग रहा है ये। हाँ अच्छा तो है। पहले हम लोग यहाँ पर खेलते थे, इधर देखो, यहाँ पर पहले बहुत साफ था खेलने के लिए, अभी ऐसा हो गया शायद। वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है, इधर 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 शायद वो वाला साइड में है, संदीप नाम का, संदीप। वो ब्लॉग देखेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था। चलो आगे। और हाँ,
जतिन नाम का भी रहता है। पहले यहाँ पर इतना ये सब नहीं था, देख के आइए नीचे, पहले ये सब नहीं था यहाँ पर इतना, ये जंगल अभी हो गया। आ जाओ सीढ़ियों पे। भाई मैं कहना जाओ नहीं, देख के नीचे भी देख के आना, चल आजा। ये ना पहले बहुत ऊंचा लगता था मेरी चबूतरा, इसके ऊपर हम खेलते थे, अभी दिखाएंगे आपको ऊपर। और यहाँ नीचे लोग पहले गंदगी कूड़ा वगैरह फेंकते थे, बट अभी पेड़ उग गए तो दिखता नहीं है। आ जाओ अभी राहुल ऊपर आ रहा है, ऊपर आ गया। ये तू भी तो यहाँ पहले आया था, कैसा ही था? नहीं यार, यहाँ पर खुला मैदान अच्छा लगता है, पता नहीं शायद लोग इतना केयर नहीं कर रहे आजकल इसका। देखिए ना इतना हो गया, पहले यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में, इस जगह पर यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, उधर से बॉलिंग कराते थे। और ये पूरी घास इतनी नहीं थी, पूरा साफ था, पूरा साफ रहा करता था। मेरे जितने भी बेगमपुर के दोस्त हैं ना, सब देख रहे होंगे इस ब्लॉग को, देखेंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोग इसको शूट करने के लिए आए हैं ना। तो लो और दिखाते हैं चीज़ें, तो राहुल अभी कैमरा पकड़ के दिखाएगा आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पहले ना हमारा घर रहा करता था, अभी देखो ढह गया, मतलब इधर तो हमारा नहीं था, ये दिखाना, इधर एक दोस्त रहता था प्रमोद नाम का, टूट गया पूरा, दिख रहा है इसमें, इधर से जूम करके दिखाओ, वो नीचे ढह गया वो, और इधर जो बगल वाला है ना, उधर वाला हमारा रूम था। नीचे चल के दिखाते हैं एक बार, नीचे एक गुफा भी है। हम आ गया चलो, अभी पता नहीं नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, बट बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। पत्थर देख के आइए, गिर सकता पत्थर। आराम से आइयो, कहाँ चला दिया ये गड्ढे में इतना, ये पत्थर ये वाला, ठीक है। अब वो गुफा दिखाएंगे आपको, अब वो गुफा है कि नहीं पता नहीं। ये की हाय है दोस्तों, ये वो गुफा है, देखो ये अभी कवर हो गई, इसमें बहुत सारे चमगादड़ रहा करते थे। ये देखो पूरी गुफा है अंदर, डरावनी गुफा है जी, अंदर डरावनी है पूरी, कंडर इसमें चमगादड़ रहा करते थे। और ये मेरे दोस्त का घर था प्रमोद का, ये टूट गया, पहले हम इधर से आया करते थे, रास्ता था ये वाला, हमारा रूम था, सुनील सुशील और मैं और बड़े पापा बड़ी मम्मी हम लोग सब साथ में रहते थे। तो ये आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ, कितने सालों बाद, 15-16 साल हो गए। चलें फिर ऊपर, अभी तो पूरा खंडर हो गया, रास्ता नहीं है। आ जाओ, मैं सोचा था और इसमें पहले चमगादड़ रहते थे, मैंने सोचा और अच्छे से दिखाऊंगा, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा, इतना ब्लर सा आ रहा है। सो हम लोग वापस ऊपर जा रहे हैं, देख के आइयो भाई, इधर गिर भी सकता है। अभी मैं ऊपर चढ़ गया, मेरे को तो आदत है ना बचपन में यहाँ बहुत खुराफात मचाइए। नफीस आ रहा है ऊपर, राहुल घास है ऐसी, पसीना पसीना हो गया पूरा ब्लॉग में। तो ये जो आपको किला दिख रहा है, ये मुगल कालीन में किसी ने बनाया था, इसके सामने जस्ट एक उस पार भी एक किला है, उसको बाद में दिखाएंगे आपको। तो ये पता नहीं ये हमले वमले में क्या लड़ाइयों में कुछ टूट फूट गया, बाकी ये सब इधर साइड का। और ये विजय मंडल, यहाँ से पूरा आपको कमल मंदिर उधर आश्रम का पूरा बहुत दूर तक दिखता है, अभी दिखाएंगे ऊपर जाके। चलो ऊपर चलते हैं।
राजाओं का। ओहो, कितनी ऊंचाई है भाई। फिलहाल अभी टॉप पे नहीं गए हम लोग, बस नीचे वाले फ्लोर पे हैं। इसके ऊपर ऊपर भी जाने का रास्ता, ऊपर भी जाएंगे। इधर देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इधर तो नीम आ गई अभी बहुत सारी। और वो देखो कितना सुंदर पीर बाबा का मंदिर, इधर से दिखा। वो देखिए हम लोग वहाँ जाएंगे, ये पीर बाबा की दरगाह है। दरगाह है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग, रास्ता है वहाँ जाने का। यहाँ से उतरने के बाद जाएंगे। यहाँ पर वीर वाले दिन लगता है ना, वीर के दिन यहाँ बहुत लोग आते हैं तो अपनी चादर वगैरह चढ़ाते हैं। बाकी यहाँ अभी उतना केयर नहीं कर रहे, यहाँ पर बहुत घास फूस आ गई। चलो ऊपर चलते हैं यार। तो अभी राहुल कैमरा चला रहा है हम लोग। राहुल पहले यहाँ आ चुका है, कई बार आ चुका है, गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। चलो मैं नहीं लाया गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आ जाओ ऊपर, आओ ऊपर। So now we are on the top. अभी हम लोग सबसे ऊपर आ चुके। अभी देखो यहाँ का पूरा चारों तरफ की दिल्ली दिख रही है पूरी। यहाँ से देखिए नजारा दिल्ली का, यहाँ का इस गुम्बद के ऊपर इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, पूरी दिल्ली दिख रही है। वो भी एक किला है। हाँ वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले यहाँ से नीचे मत जाइए, गिर जाएगा। यहाँ से वहाँ तक का एक ब्रिज बना हुआ था वो वहाँ पर, तो यहाँ से एक ब्रिज था आने जाने के लिए, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। पता नहीं, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी वो मस्जिद थी पहले वहाँ, ऊंचा हो गया वो मस्जिद थी वहाँ, वहाँ नमाज पढ़ा जाता था, पुरानी मस्जिद करके कुछ थी। हाँ वो जैसा बना हुआ है ना मस्जिद, जैसे गुम्बद बने हुए हैं। अभी जाएंगे वो वाला किला भी आपको दिखाएंगे अब आए तो। यहाँ से वहाँ तक ब्रिज बना, कितना ऊँचा, कितना कैसा लगता होगा, कैसे टूट गया पता नहीं। और सबसे बड़ी बात तो इतने भारी भारी पत्थर है ना, ये अभी भी उठाना बहुत मुश्किल है क्रेन से भी। और लोग इन्होंने उस ज़माने में इसको कैसे ऊपर लाए इन भारी पत्थरों को, उसके बाद इस किले को बनाया। सो अभी यहाँ से आश्रम का व्यू एकदम साफ दिख रहा है, आप लोग देखिए। हमारा हॉस्टल था वो। कुतुब मीनार दिखाओ, कुतुब मीनार पूरा। कुतुब मीनार ये देखिए, छोटी सी कुतुब मीनार दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है ये है। हाँ वो जो खड़ा हुआ है ना टावर के साइड में, ये कुतुब मीनार है इतनी सी। भाई कौन है ना, कौन है नीचे बच्चा भाई। नीचे का नजारा देखिए, डर सा लग रहा है इतने ऊंचे। अगर यहाँ से गिरे ना बचाका हो जाएगा हमारा। नीचे मजा आने को तो ऐसे डर लगता है। देखिए कितनी नीचे गहराई, खाई जैसे हैं, इतने इतने ऊंचे किले बना देते हैं। वो देखो, वो वहां से देखो, वो देखो बच्चे दूर से बच्चे कह रहे हैं हमारा फोटो खींच लो, हमारा वीडियो बना दो। देखा? तो उनके बच्चों की हेलो। बट अभी तो इतना टाइम हो गया, लोग भूल चुके हैं। अब तो मैं बड़ा हो गया ना, पहले छोटा था। जवान हो गया बच्चा। यहाँ पर एक लड़की लड़की रहती थी। ठीक है, लड़की रहती थी असल में, इसलिए ऐसे बोल रहा है क्योंकि इसकी शादी होने वाली है। इसलिए ऐसे जल्दी जल्दी बातें कर रहा है। नहीं नहीं, मतलब दोस्त थी हमारी, हमारे साथ में पढ़ती थी। सो ये वो यहाँ रहती थी। और प्रिया प्रियंका, वो जो रेड बिल्डिंग दिख, रेड बिल्डिंग दिखा, वो जो रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है उसके आसपास में प्रिया प्रियंका, मनीषा और जसप्रीत और ये सब, मतलब बहुत सारे स्कूल के बच्चे रहते थे यहीं पर। बाकी अभिषेक वगैरह, रेखा वगैरह इस साइड में रहते थे, और संदीप और जतिन और पीछे मज्जा नीचे चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं बाकी लोग यहाँ पर रहते थे इस साइड में, और हम लोग इधर रहते थे जो आपको दिखाया। खंडर, खंडर नहीं था वो उस वक्त, अच्छा था, बट अभी तो मतलब उस टाइम छोटे थे तब ऐसा लगता था घर जैसे ही वहाँ पर, लेकिन अब खंडर जैसा हो गया, बहुत पुराना। 20 साल हो गया उसको कोई मेंटेन नहीं करा,
टूट के खंडर हो गया। सो ऐसे ही हो गया। तो बाकी आप लोग को एक बार पूरा व्यू दिखा देते हैं धीरे धीरे। कांच पड़े, लोग यहाँ के ड्रिंक करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं। यहाँ ज्यादा ना कपल्स बहुत आते हैं यहाँ पर। अबे कोई कपल्स नहीं आते यहाँ, छेड़ते हैं लोग। लॉकडाउन वगैरह आते हैं तो यहाँ असल में क्या है, घर हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे चीज अच्छा नहीं लगता है, लोग आ जाते हैं तो उनको मना करते हैं। आते थे हम लोग ने बचपन में देखा, बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो उनको बहुत परेशान करते हैं, नहीं करना चाहिए। बट उनको भी समझना चाहिए कि यहाँ फैमिली रहती है तो यहाँ पर ऐसा काम। ठीक है, आप लोग घूमने आइए, घूमने में क्या है, अच्छा है काफ़ी, देखिएगा यहाँ पर आकर घूमिए, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दूर दूर का नज़ारे दिख जाते हैं, दूर दूर की आपको ऐसा लगे नहीं देख पाए तो यहाँ से देख सकते हो काफ़ी दूर। तो ये बेगमपुर है, बेगमपुर में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, हमारा बचपन यहाँ बीता है, खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर। हम भी यहाँ रहते थे लेकिन सिर्फ हम ही दो यहाँ पर आए हुए और कोई नहीं है। अभी नहीं आते लोग, पहले आते थे घूमने के लिए। संडे है, संडे छुट्टी होती है तो संडे आ जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर कोई वैसे लोग आ नहीं रहे हैं घूमने देखने। चले वहाँ चले पीर बाबा के वहाँ। चलो तो एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ इसका, इसने बहुत जूम कर रखा था। तो ये है इसका व्यू पूरा, ठीक है नीचे से। तो अभी आपको जो पीर बाबा का मंदिर बता रहे थे वो यहाँ पर है, वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं आपको। तो अभी ये देखिए, अभी जाएंगे वहाँ पर, वहाँ भी दिखाएंगे। बाकी ये देखिए, बंदा बॉडी दिखा रहा है, देख लो ए। सही है सही है, देखो ये बॉडी बना रहा है अभी यहाँ पर, मार दे, ये कहीं भी शुरू हो जाता है ऐसे, इसको मिल जाए बस तुरंत शुरू कर देता है। बस कर भाई नीचे आ जा, पत्थर लेकर कहीं नीचे आ जाए तू। बहुत ही मार से मजबूत है यहाँ, बॉडी बहुत अच्छी बनती है। देखो बॉडी बढ़िया बढ़िया। अच्छा बहुत डर लगता था यहाँ से, ये देखिए वो चबूतरा जो हमने आपको दिखाया नहीं था, ये वाला बहुत बेकार हालत हो गया अभी सच में, पहले इतना सुंदर लगता था, ये सब घास नहीं थी यहाँ पर, पूरा अच्छा ग्राउंड था खेलने के लिए। चलो नीचे चलते भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीर बाबा की तरफ, ठीक है। काफी घास वाला रास्ता है यहाँ पर, काट दिया इसको आने जाने के लिए, लोगों के लिए बना दिया, मतलब आने जाने के लिए यहाँ आते हैं इसीलिए। देखो घासों में से ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं जंगल में आ गए। जैसे कि हमारे गार्ड साहब आ गए हैं, यहाँ की देखभाल करते हैं। कैसे हो अंकल? घास है अभी साफ कर दिया, घास तो रास्ता बना है, वो बना है नहीं अब कटेगा, वो डेली जंगल रहेगा 10-5 वो। भैया गार्ड भैया ने परमिशन दे दी अभी थोड़ी सी कि फोटोज वगैरह ले लो, वैसे परमिशन नहीं है यहाँ पर। तो ये है, ठीक है, दरगाह है, बहुत ही प्यारी दरगाह है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। आज नहीं है यहाँ, जब रात के दिन आया जाता है, 5 कमरे हैं यहाँ पर। कौन से दिन लगती है यहाँ दरगाह? दरगाह यही। कौन से दिन लगती है बताना कैमरे में, किस दिन लगती है, मतलब यहाँ पर कुछ होता है? है? पूजा होती है, पूजा होती है। तो भाई ने बताया पूजा होती है, ब्लॉग शूट कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें कैमरे में आ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। तुम यहीं रहते हो? किधर? मालवीय नगर बेगमपुर वाल्मीकि कैंप। देखा भाई, यहीं का है, लोकल बंदा है ये भी। चलो भाई हैं, आ जा, चीटियाँ हैं बस, कुछ नहीं है। यहाँ के लोग हैं लोकल, बस घूमते हैं फिरते हैं ऐश करते हैं। और ये है बना हुआ, तो ये दरगाह है, दरगाह में अभी तो अंदर जूते पहन के जा नहीं सकते यार। और अभी वो देखो बिल्ली ऊपर पेड़ पे चढ़ गई, बिल्ली थी। तो चले फिर नीचे। अरे गार्ड भी बैठते हैं यहाँ पर,
सो यहाँ से नीचे उतर, बाइक तो उधर, बाइक तो क्या अभी हटा, अब तो वाले पे ले जाए, वो चलते हैं उधर वाले पे, पार्क से निकल लेंगे फिर उधर से। रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी कार साफ कर दिया फिलहाल तो। तो फ्रेंड्स बारिश आ चुकी थी और उसके वजह से पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया, तो हम लोग भाग के भीग भी गए थे और फिर घर पे आ गए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय राम जी की।